सुधांशु जी ने जिस प्रकार से आपके आगे बात रखी उसी बात का विस्तार करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि तलवारें बहुत है बांटने के लिए, काटने के लिए, हथौड़े बहुत है तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, असला बारूद भी बहुत है सुपुर्दे खाक करने के लिए। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक सुई की, जो जोड़ सके हमें, सील सके हमें, हमारी भावनाओं को एकीकृत कर सके। इस व्यवस्था को खड़ी करने के लिए आज आपके बीच में सुदूर एक लंबी दूरी तय करके आपके बीच में हम आए, और पिछले 13 दिन से, और 13 दिन ही नहीं पिछले 2 महीने से जो व्यक्ति आपके बीच में इस बीज को रोपने का प्रयास कर रहा है, डॉक्टर साहिल मुजफ्फर हुसैन कलाल और डॉक्टर बिलाल रसूल साहब और इनके साथ पूरी की पूरी टीम, जिस प्रकार से बीजारोपण पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगे के नाम पर कर रही है, वो केवल और केवल इसलिए कर रही है कि भावी भविष्य में जब ये बीजारोपण से बड़ा वृक्ष बने तो उस वृक्ष के आधार पर जब फल लेने का समय आए तो यही युवा शक्ति रोजगार के माध्यम से अपने भविष्य को इस सुदूर हिंदुस्तान के अंदर साध सके, इस तरह का प्रयास इस तिरंगा यात्रा के द्वारा किया जा रहा है। एक तिरंगा सिंबॉलिक हो सकता है, एक तिरंगा निर्विवाद हो सकता है, उसे किसी जाति पंथ रंग संप्रदाय की राजनीति से जोड़कर देखना कहीं ना कहीं मानसिक क्षीणता हो सकती है, परंतु मैं आज इस मंच के माध्यम से, मंच के ऊपर बैठे तमाम युवा बंधुओं के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि आज की तिरंगा यात्रा, वर्ष 2023 की तिरंगा यात्रा, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के समय यह तिरंगा यात्रा कोई मामूली प्रयास नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। ये बीजारोपण है वर्ष 2047 के लिए, जब हिंदुस्तान को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे। ये बीजारोपण है उस भविष्य को साधने के लिए जहां यही सभागार में बैठी मेरी बहनें, मेरे भाई जो युवावस्था में हैं, जब ये अपना भविष्य साधने को लेकर कारगर होंगे तब इनके हाथ में रोजगार हो, इनके हाथ में ऐसे सुअवसर हो जिसके माध्यम से ये अपने भविष्य को साध सके और अपने भावी पीढ़ी को साध सके। इन राजनीतिक हुक्मरानों ने, जैसा मैंने जिक्र किया, तलवारों के नाम पर, हथौड़ों के नाम पर, असले बारूद के नाम पर, धर्म जाति रंग पंथ संप्रदाय के नाम पर केवल और केवल मानवता को बांटने का प्रयास किया इन राजनीतिक हुक्मरानों ने। मैं आज इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूं कि तिरंगे को हम हमारा प्रतीक चिन्ह मानकर, तिरंगे को हम हमारा पहचान पत्र मानकर, तिरंगे को ही हम अपना सर्वस्व मानकर केवल और केवल इस बात का एक सीधा सीधा संदेश केंद्र में बैठी सरकारों को भी दे सकते हैं कि हमारे लिए तिरंगे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हम किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो केंद्र से तो चलती है लेकिन आपकी इस घाटी के अंदर आते आते या तो लच्छर हो जाती है या मर जाती है या मार दी जाती है। हमारा यह प्रयास रहेगा, डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन कलाल साहब का या डॉक्टर बिलाल रसूल जी का इस तरह का प्रयास रहेगा कि जो जो युवाओं के लिए केंद्र की सरकार हम सबके लिए माई बाप है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी झंडे की रसूखदार नहीं है। हो सकता है आज हुक्मरान में कोई और व्यक्ति है, 5 साल बाद कोई और व्यक्ति हो, 15 साल बाद कोई और व्यक्ति हो, लेकिन केंद्र की सरकार, केंद्र की योजनाएं हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम युवाओं के लिए है। उसको लागू करवाने के लिए वर्चस्व तरीके से प्रयास जो है आज की सैल्यूट तिरंगा टीम की रहेगी। 1 से 15 तारीख के बीच में आपके गले में तिरंगे का दुपट्टा डालकर इस आयोजन में या किसी भी आयोजन में भीड़ का हिस्सा बनाकर किसी भी तरह का माइलेज या फुटेज लेने का हमारा कोई भी मनोदशा नहीं है, किसी प्रकार का विचार नहीं है। हम यह चाहते हैं कि असली लड़ाई 16 अगस्त से शुरू होगी और असली हिसाब किताब अगली 31 जुलाई को होगा, जब 31 जुलाई 2024 को हम पुनः आपके बीच में आएंगे तब आप हमसे 1 साल का हिसाब मांगिएगा कि पिछले
16 अगस्त से लेकर 31 जुलाई तक जो तिरंगा यात्रा पिछले वर्ष 2023 में आपने कराई थी, उस 2023 वाली यात्रा का क्या परिणाम रहा? कितने जम्मू कश्मीर और घाटी के हमारे नौजवानों को रोजगार मिला? कितने हमारे नौजवानों को शिक्षा के अंदर मदद मिली? कितने हमारे बुजुर्ग लोगों को प्रधानमंत्री के नाम पर जो स्वास्थ्य की योजनाएं चल रही है उन योजनाओं पर एम्स के अंदर या दिल्ली के अंदर या विदेश के अंदर भी कोई स्वास्थ्य का लाभ लिया गया तो उसमें आर्थिक रूप से मदद मिली? दोस्तों, किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल एजेंडा होता तो हम हमारा प्रचार करते। यहां कोई भी प्रकार का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई भी प्रकार की राजनीतिक रसूखदारी नहीं है। ये तमाम पार्टियां, मैं भरे मंचों से कहता हूं, ये तमाम पार्टियां, ये तमाम राजनेता जो प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि हम सबकी हिस्सेदारी के अनुरूप कार्य करें। लेकिन ये तमाम राजनीतिक दल, तमाम ये पार्टी के लोग, इनको हम हमारी जेब में रखते हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस तिरंगे से लेना देना है, इस तिरंगे की व्यवस्था से लेना देना है, इस तिरंगे की अस्मिता को कहीं झुकने नहीं देना है। मेरा मन करता है, मैंने कल भी हमने बात की डॉक्टर बिलाल रसूल जी से, डॉक्टर साहिल मुजफ्फर हुसैन किलाल जी से, और उस बात को हम इंप्लीमेंट करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, इन दो युवा बंधुओं से जुड़े रहिएगा। मैं आपको आश्वस्त करना कर देना चाहता हूं कि मैं फिर कह देना चाहता हूं कि असली लड़ाई 16 अगस्त के बाद शुरू होगी, और उस 16 अगस्त के बाद में आपके डेटा के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी बच्चे को शिक्षा को लेकर, कोई भी योजनाओं को लेकर आप तक कोई जानकारी नहीं पहुंचती है। किसी भी योजनाओं से आप जुड़ना चाहते हो लेकिन आपका दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पता नहीं किस किस प्रदेश के अंदर आपका कोई जानकार नहीं है। आप तो बस इतना कहिएगा कि सैल्यूट तिरंगा की यात्रा में, सैल्यूट तिरंगा के आयोजन में हम सहभागी थे, आप हमारे बहन और भाई हैं, आपकी सेवा, आपकी मदद के लिए हम हमारे पलक पावड़े बिछा देंगे, किसी भी प्रकार की मदद रहेगी उसमें कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, इस तरह का वादा आपका भाई यहां से करके जा रहा है। देश के अंदर तीन अव्यवस्थाएं जिनको व्यवस्थित करने की जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मैंने शिक्षा के मामले में आपको कहा कि कहीं भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हो, कुछ कानून जो पहले तक थे अब कानूनों में बदलाव किया गया है, उन कानूनों के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने अलग अलग अपने नियम कायदे कानून लगा रखे हैं, उन सब कायदे कानून में भी रियायत करवाने का कार्य हम करेंगे, आपके भाई करेंगे, आपके माध्यम से करेंगे, और आपको शिक्षा के अंदर पूर्ण रूप से सहयोग मिले, इस तरह का विश्वास इस मंच से दिलाकर जाना चाहता हूं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे बुजुर्गों, हमारे भाई बंधुओं को हो जाती है जिसके लिए 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए का बिल जो है हमें सरकारी व्यवस्थाओं से मिलता है। इस बिल के लिए मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको, आप कोई भी इस तरह का कार्य हो, 16 तारीख के बाद डॉक्टर बिलाल रसूल जी को और साहिल मुजफ्फर हुसैन कलाल जी को, इनको दीजिए, हम पूर्ण रूप से आपका सहयोग करके और आपका मदद करवाने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री से लेकर आप जिनके नाम से उंगली काली करवा के केंद्र में भेजते हो, दिल्ली में भेजते हो, सांसद बना के भेजते हो, उनको पूछें, उनको कहें कि आप, आपके क्षेत्र के व्यक्ति हैं, इनको हक और अधिकार मिलना चाहिए, इनका बिल पास करवाइए, इनको सहयोग करिए, तो स्वास्थ्य के रूप में भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, इस तरह का वादा करके आपको मिला। इसके अलावा मैं एक और वादे के साथ मैं इस मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक बात का और वादा आपको करके देना चाहता हूं, आप सबका सहयोग मिला, आप सब साथ रहे, तो मैं वो सुगम दिन देखना चाहता हूं कि 16 अगस्त के बाद डॉक्टर साहिल मुजफ्फर हुसैन कलाल और डॉक्टर बिलाल रसूल जी का हमारे पास फोन आए, हमें जानकारी दे कि हमारे पास हजारों युवा और युवतियां, हमारी बहन बेटियां भाइयों के हमारे पास एप्लीकेशन आ रहे हैं, उनको रोजगार का माध्यम उपलब्ध कराया जाए। मुझे उस दिन खुशी होगी, उस दिन प्रसन्नता होगी जब यही श्रीनगर के अंदर, यही जम्मू कश्मीर की घाटी के अंदर हम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व की कंपनियों को यहां लाकर रोजगार का जॉब फेयर यहां पर करवाएं, उस दिन हमें खुशी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लोग, मैं आपके आगे तारीफ करके नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपकी पीठ पीछे भी बात करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा आपका रहन सहन है, और कुछ भी हो, प्रकृति की सबसे पहली व्यवस्था अगर कोई सबसे पहले ग्रहण करता है तो वो कश्मीरी है। तमाम प्रकृति के संसाधनों को सबसे पहले ग्रहण करने वाला व्यक्ति कश्मीरी है, तो उस कश्मीरी का दिल, दिमाग और मानसिक जो विकास है
वो सातवें आसमान पर होगा, बस जरूरत है तो उसे उचित मंच उपलब्ध कराने की जरूरत है, और उस मंच को उपलब्ध करवाने के कार्य हम सब आपके भाई करेंगे, निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं पूरा प्रयास रहेगा कि हम सब आपको मुख्य धारा में जोड़ सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 दिनों से जो ये मंच पे बैठे हैं, मैं और सुधांशु जी तो दिल्ली से आए, हमें ज्यादा जोर नहीं आया इसलिए हमारी आवाज में भी जोश है, लेकिन ये दो व्यक्ति जो मेरे दाएं और बाएं बैठे, अथक प्रयासों से 3 वक्त का भोजन दिन में होता है, एक एक वक्त में भोजन करके और पूरी सुदूर घाटियों में इन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है। मैं मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कहीं समय के अभाववश अगर ये नहीं पहुंच पाए हैं तो भी आप इस तिरंगा यात्रा में सहभागी होइएगा। 16 अगस्त के बाद भी हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं, आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हम लोग मिलेंगे, आप वर्चुअली हमसे जुड़िए, हम आपको लिंक उपलब्ध करवाएंगे वर्चुअली, तमाम बहन भाई, तमाम युवा बुजुर्ग हम इस व्यवस्था से जुड़ेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं हम पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व को सुधारने की ठेकेदारी तो नहीं ले सकते, लेकिन राम सेतु में जितना गिलहरी का योगदान था उतना मात्र योगदान देने से हम कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयास कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक जगह बहुत बड़ी आग लगी हुई थी और वहां एक चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर डालती थी, फिर थोड़ी देर में आके फिर पानी डालती थी, तब किसी ने कहा कि तुम्हारे इस चोंच भर पानी से कोई आग बुझने वाली नहीं है, तुम क्यों इस तरह का निरर्थक प्रयास कर रही हो। तब चिड़िया कहती है कि मैं वो प्रयास इसलिए नहीं कर रही हूं कि आग बुझ जाए, लेकिन जब आग बुझाने वालों का नाम लिया जाएगा तब मेरा भी नाम सह सम्मान लिया जाएगा, इसलिए मैं प्रयास कर रही हूं। हमें पता है कि हो सकता है 3-4-5 लोग किसी प्रकार की क्रांति ना ला सकते हो, समर्थ ना हो, लेकिन जब आप युवावस्था की उस अवस्था में पार करके, जब यहां पर लोग बड़ी बड़ी तिरंगे के नाम पर, देश हित के नाम पर, राष्ट्र हित के नाम पर, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर डिगे हाँक रहे होंगे, तब आपको 2023 का वो वर्तांत याद आएगा, जब 13 अगस्त को 3:30 बजे आपको याद आएगा कि किस तरह से किसी ने हमें कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट का जो गिलहरी जितना, जो चिड़िया के चौंच में पानी जितना योगदान था, उस योगदान को आपको याद रखना और जुड़कर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया इसके लिए। जय हिंद, जय भारत।